Welcome to Digi4Tech. Please subscribe and press the bell icon. Ola Money launch होने वाला है SBI credit card की मदद से और इसमें 20% तक का आपको cashback मिलेगा, ऐसा आज finally meeting में बता दिया गया है और ये launch हो सकता है commercially 2022 तक और 10 million Ola Money subscribe और आप use कर सकते हैं SBI के credit card के through. और इसमें किसी भी प्रकार का ज्वाइनिंग फीस नहीं रहेगा. सोनी ने अपना HT X 8500 2.1 चैनल का डॉल्वी एटमॉस वाला साउंड बार लॉन्च किया है, जिसका प्राइस रखा है 30,000 रुपये. और ये स्मार्ट टीवी के लिए लॉन्च किया गया है, आप चाहे तो नॉर्मल टीवी पे भी यूज़ कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे अब आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, @shop is now open. इसके मदद से अगर आप लोकल बिजनेस है या लोकल स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजर हैं, अगर आपको कुछ अपने छोटे मोटे प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे ही सेल कर सकते हैं. वन प्लस 7 प्रो के साथ वन प्लस ने व्रैप चार्ज का कार वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जो कि 30 वॉट कैपेबल है. इसका प्राइस है 2,000 रुपये. ये 5 वोल्ट 6 एम्पेयर पे है, वर्क करता है. इसमें रेड LED लाइट का भी फीचर दिया है, ताकि आपको प्रॉपर इसका इंडिकेशन आउटपुट समझ में आए. आईफोन का जो नया मॉडल है आएगा, यानी कि 2019 वेरिएंट, उसमें 3% का प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि US और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है. इसका प्राइस का इफेक्ट पड़ेगा ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट पे, क्योंकि आप सभी जानते हैं आईफोन एक्चुअल में बनता है चाइना में ही, मेड इन चाइना मान के चलिए. वीवो का Z5X फ़ोन लीक हुआ है. इसमें आपको मिल सकता है होल पंच डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी, ऐसा कुछ स्पॉट किया गया है इसे टेस्टिंग के दौरान. रियल मी एक्स लाइट फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुका है. स्नैपड्रैगन 710 SoC के साथ डुअल कैमरा सेटअप के साथ पॉपअप सेल्फी कैमरा है इसमें, और इसमें 48 MP का रियर कैमरा है. विकिपीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है चाइना पे, क्योंकि तैनमेन एनिवर्सरी के दौरान, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाइना में बहुत सारे वेबसाइट्स नहीं वर्क करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है और आपका ये गूगल है, यूट्यूब है, विकिपीडिया है. इसी तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इंटरनेट पॉलिसी को लेके. पेटीएम मॉल पे ने हिट कर लिया है 5 से 10 करोड़ का कैशबैक फ्रॉड को, इस लिए क्योंकि पेटीएम मॉल पे अधिकतर आता है कि आपको ये कैशबैक दिया जाएगा, वो कैशबैक दिया जाएगा. इस टाइप से पेटीएम मॉल के नाम से आपको बहुत ज़्यादा चीट टाइप से मैसेज एड्स शो किए जाते हैं. मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊं तो जितना अच्छा पेटीएम वर्क करता है, उतना ही बेकार सर्विस है पेटीएम मॉल का. पेटीएम को अपनी पेटीएम मॉल वाली सर्विसेज को चेंज कर देनी चाहिए. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सैमसंग का गैलेक्सी ए सीरीज बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा, क्योंकि सैमसंग ने अपना गैलेक्सी सीरीज के साथ अपना वापसी किया है, और इसमें आपको मिलेगा गैलेक्सी A50, A30, A20, A10, A70, A2 कोर. ये सब फ़ोन मिला के 5 मिलियन फ़ोन सैमसंग इंडियन मार्केट पे बेच चुका है और 1 बिलियन का रेवेन्यू को अचीव कर लिया है. अब सैमसंग वापस प्रीमियम सेगमेंट में भी नंबर 1 पे आ चुका है, थैंक्स टू सैमसंग के S10 सीरीज को, जैसे कि S10e, S10, S10 प्लस को. ऑनर 20 सीरीज का इंडिया में लॉन्च जल्द ही हो सकता है, 11 जून 2019 को, ऐसे कुछ लीक से पता चल के आया है. इसमें क्वाड रियर कैमरा रहेगा, पंच होल डिजाइन वाला सेल्फी कैमरा रहेगा, फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले रहेगा, और ये फ्लेक्सिब ग्रेड का फोन रहेगा. इसमें आपको किरीन का 980 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है. इसका प्राइस लगभग हो सकता है 30,000 रुपये. ग्रूफर ने क्राउड फंडिंग के थ्रू $200 मिलियन का फंड जनरेट कर लिया है सॉफ्टबैंक की मदद से. अब इसको जल्द ही यूज करके अपने बिजनेस को एक्सटेंड करेगा ग्रूफर.
माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट रिलीज कर दिया है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज XP, विंडोज सर्वर 2003 और विंडोज 7, विंडोज सर्वर 2008 R2 के लिए, क्योंकि इसमें एक वेनरी क्राई नाम का स्टाइल अटैक को डिटेक्ट किया गया था, जो एक मेलवेयर स्प्रेड था वेलमी क्राई के थ्रू, इसे फिक्स कर दिया गया है। iPhone XR पे दो नए, XR का जो नया सक्सेसर आएगा यानी कि iPhone XR का 2019 वेरिएंट पे आपको दो नए कलर वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। इसमें से एक नया रहेगा कुछ नए टाइप का ग्रीन और एक लेवेंडर पर्पल। HTC ने अपना बिटकॉइन वाला एंड्रॉयड मोबाइल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है एक्सोडोस 1S क्रिप्टो। ये एक डेडिकेटेड बिटकॉइन का है माइनिंग वाला स्मार्टफोन है। इसकी प्राइस है $250 रुपए और $300। AMD ने अनाउंस कर दिया है नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट होरिजोन गेमिंग। एक ये इवेंट है जो E3 2019 पे किया जाएगा। इसमें आपको नेवी GPU का और PC कंसोल, क्लाउड गेमिंग, ये सब फीचर्स के साथ इसे हाईलाइट किया जाएगा। Honor 20 के कुछ रेंडर से ये पता चलता है कि इसमें क्वाड कैमरा सेटअप रहेगा, 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा डिजाइन रहेगा, 3750 mAh की बैटरी रहेगी, Android 9 Pie रहेगा, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा रहेगा, Kirin 980 प्रोसेसर रहेगा और ये लॉन्च हो सकता है 21 मई 2019 को। ट्विटर अपने सभी यूजर्स का अकाउंट वापस बैक कर रहा है जिनका अकाउंट एक्सीडेंटली ब्लॉक हो गया था, उनको अब अपने अकाउंट का एक्सेस वापस मिल चुका है। डिज्नी ने टेक ओवर कर लिया है हुलू को ताकि वो कड़ी कंपटीशन दे सके नेटफ्लिक्स और अमेज़न को। पेटीएम ने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है पार्टनरशिप करके सिटी बैंक के साथ, और ये इसे यूनिवर्सली अनलिमिटेड कैशबैक के थ्रू यूज किया जाएगा। इसमें आपको एनुअल फीस रहेगा ₹500 और एक साल का लिमिट रहेगा ₹50,000। इंटेल के चिप के सिक्योरिटी फ्लॉ में आने की वजह से रिसर्चर का कहना है कि मिलियंस ऑफ एक्टिव डिवाइसेस पे इसका असर देखने को मिल सकता है। रेडमी के K20 Pro को मनु कुमार जैन ने टीज कर दिया है कि ये इंडिया पे जल्दी आने वाला है। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 855 SoC, पॉपअप सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 4000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। और ये भी टीज किया गया है कि वन प्लस को हम एक्चुअली में किल कर देंगे। अगर प्राइसिंग अच्छा रहा तो डेफिनेटली रेडमी वन प्लस को किल कर सकता है, क्योंकि रेडमी का अब टॉप एंड वेरिएंट पहुंच चुका है 58,000 तक का। अगर इस सब फीचर्स के साथ अगर नियर अबाउट 30,000 में भी, अगर 30 to 35,000 में भी अगर MI या रेडमी इसे ले आता है तो जरूर ये मार्केट किल कर देगा, जैसे कि पिछले बार सडनली रेडमी ने लॉन्च कर दिया POCO F1, जो कि सिर्फ ₹20,000 का फोन था, पूरे मार्केट को हिला के रख दिया था पोको ने। OnePlus 7 Pro का एक 5G वेरिएंट लॉन्च होने वाला है UK मार्केट के लिए। इसमें स्नैपड्रैगन का X50 मोडेम रहेगा, स्नैपड्रैगन 855 SoC रहेगा, 12 GB का रैम, 256 GB स्टोरेज, पॉपअप सेल्फी कैमरा, क्वाड स्क्रीन डिस्प्ले 90 Hz वाला, ये सब सपोर्ट के साथ रहेगा, 4000 mAh की बैटरी, 30 वॉट का सॉरी इसमें रहेगा 40 वॉट का सुपर ब्रेप चार्ज रहेगा। OnePlus 7 फाइनली सरवाइव कर गया स्क्रैच टेस्ट को, फ्लेम टेस्ट को और है ना ईच टेस्ट को। फेसबुक ने वापस ला दिया है पब्लिक व्यू एज पब्लिक फीचर को, जो कि अभी कुछ समय पहले हटा दिया गया था, इसे ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि कुछ प्राइवेसी इशू हुए थे इस वजह से। OnePlus ने अपना बुलेट सीरीज का वायरलेस वर्जन 2 ईयरफोन लॉन्च किया है। ये ब्लूटूथ 5.0 बेस्ड सपोर्ट करता है। इसमें आपको मिलता है APTX HD कोडेक लेवल का हाई रेस्पॉन्स रेशियो वाला ऑडियो प्लेबैक सपोर्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको जल्द ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।